हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए फिर से एक रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि संतरे का जूस हम कैसे निकाल सकते हैं, वो भी बिना मिक्सर के, बिना जूसर के और बिना किसी इलेक्ट्रिक मशीन के। तो मैंने ये 5 संतरे लिए हैं, इन्हें हमें बीच में से इस तरीके से काट लेना है। तो ये संतरे बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, इन्हें हम किन्नू भी कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये सारे संतरे काट लिए हैं और अब मैंने लिया है ये विस्कर, जो हम सबकी किचन में आसानी से मिल जाता है। तो मैं फ्रेंड्स ये विस्कर की हेल्प से ये संतरे का सारा पल्प निकाल लूँगी। तो हमने एक कटोरा लिया है और कटोरे को हम नीचे रख कर विस्कर को इस तरीके से घुमाते हुए संतरे का जो ये सारा पल्प है ये इस तरीके से निकाल लेना है। ये बहुत ही इजी है। तो अब हमने ये दूसरा संतरा लिया है, इसी तरीके से हमें इस विस्कर को घुमाते हुए इसका भी जूस निकाल लेना है। बहुत इजी तरीका है, इसे आप बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े भी फटाफट से निकाल कर इस तरीके से जूस और एकदम फ्रेश जूस पी सकते हैं। ये मार्केट से बहुत ही ज़्यादा अच्छा जूस होता है जो हम घर पर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप अपने बच्चों को इस तरीके से फटाफट मॉर्निंग में भी इस तरीके से जूस बनाकर पिला सकते हो और बड़ों को भी आप फटाफट निकाल कर दे सकते हो। अब मैंने एक छलनी ली है और इससे ये सारा जूस छान लेना है। तो इस छान कर इसके सारे बीज निकल जाएंगे और अगर हम मिक्सी में जूस बनाते हैं तो ये सारे बीज पिस जाते हैं और हमारा जूस कड़वा हो जाता है। और जो हमने विस्कर की हेल्प से जूस निकाला है ये जूस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और इसमें ज़रा सी भी कड़वाहट नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से बच्चों को फटाफट जूस निकाल कर पिला सकते हो। ये मैंने सारे बीज इसके निकाल लिए हैं छलनी से। अब मैंने ये 2 गिलास लिए हैं, इसमें मैंने ये सारा जूस डाल देती हूँ। दोनों ग्लास में मैं इक्वल जूस डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, देखो कितना आसान तरीका है, आप भी एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। क्योंकि अब संतरों का मौसम है और बहुत ही जल्दी बाजार से संतरे मिल जाते हैं। देखो कितना अच्छा जूस बन गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो पर लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने भी ऐसा जूस बनाकर पिया है या नहीं। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा जूस बन के तैयार हो गया है। अपने बच्चों को फटाफट से मॉर्निंग में इस तरह से जूस बनाकर पिलाइए। अब मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।